Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज की डेट पे अगर आप एक अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड करते हो तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी ये बात आती होगी कि चलो यार अच्छे पेरिफेरल्स भी ले ले, जैसे कि अच्छी ब्रांड का माउस। और माउस अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो आपको काफी सारे माउसेस देखने को मिलते हैं जिसमें कि एक डकी फेदर भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब डकी ब्रांड के बारे में हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी फैमिलियर भी हो। इंडिया में इन्होंने कुछ सालों में काफी अच्छी रेपुटेशन भी गेन कर ली अपने कीबोर्ड के बदौलत। लेकिन फाइनली इन्होंने अपना एक गेमिंग माउस भी उतारा है जो कि काफी लाइट वेट माउस है। मैंने सोचा इसे रिव्यू किया जाए। पर्सनली मैं खुद इस माउस को 2 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड डूड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। आप में से जो लोग IIT JEE की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए अनअकैडमी एक बेहतरीन ऑफर लाया है जहां पर आप अप टू 25% सेव कर सकते हो अगर आप IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेते हो। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हो तो यहां पर आपको काफी सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस देखने को मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर आपको क्लासेस देते हैं, बाकी यहां पर आपको लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस देखने को मिलती हैं, टेस्ट टाइम टू टाइम और क्विजेस भी देखने को मिलते हैं, और जो भी पढ़ाया जाएगा आपके साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की PDF भी शेयर करी जाएगी। तो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक और यहां पर मैं एक कूपन कोड मेंशन कर दे रहा हूं जिसको कि अगर आप यूज करते हो तो आप अप टू 25% भी सेव कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पर 4500 रुपीज़ पे कर रहे हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है डकी जैसी ब्रांड से वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। बॉक्स में यहाँ पर आपको जो आपको माउस देखने को मिल जाता है, एक छोटा सा मैनुअल देखने को मिलता है और एक्स्ट्रा ग्लाइड पैड भी देखने को मिलते हैं। इनकेस अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ग्लाइड माउस पसंद करते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट लुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यार माउस जो आपको पहला लुक प्रोवाइड करता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है। लुक वाइज मैं आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं लगता। और अच्छी चीज़ ये कि ये माउस एक सिमेट्रिकल माउस है, यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़र हो या राइट हैंड यूज़र हो दोनों ही लोग इस माउस को आराम से यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो डकी ने जो आपको क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लास्टिक जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साइड में यहाँ पर आपको रबर ग्रिप देखने को मिल जाती है जो कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर देती है। बाकी यहाँ पर जो आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है वो काफ़ी प्लेन डिज़ाइन देखने को मिलता है और हनीकॉम शेप भी साइड में देखने को मिलते हैं। बाकी RGB के नाम पे इस माउस में केवल आपको एक लोगो देखने को मिलता है जहां पर आप चाहो तो उसकी लाइट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं इस माउस में ना आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन अच्छी चीज़ ये है सारी की सारी चीज़ें इस माउस में आप बटन से कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वही यहाँ पर अगर बात आती है बटन्स की तो इस माउस में जो बटन्स यूज़ करे गए हैं वो है हुमानो स्विचेस जो कि आपको 55 मिलियन क्लिक्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड आपका कवर कर देता है। वही माउस के दोनों ही साइड पे आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप लेफ्टी भी हो तो भी आप आराम से इस माउस को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हो सकता हो कई सारे लोग ये भी जानने में इंटरेस्टेड हो कि भैया यहाँ पर हमें इस माउस में किस टाइप की ग्रिप देखने को मिलती है उसके बारे में भी हमें बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ ये एक बहुत ही लाइट वेट माउस है, बहुत ही छोटा माउस है। इसका जो आपको टोटल वेट देखने को मिलता है वो है केवल 65 ग्राम जो कि काफ़ी लाइट वेट कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जो आपको ग्रिप देखने को मिलती है वो क्लॉ वाली भी है, यानी कि अगर आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे एज अ क्लॉ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं भी इसे एज अ क्लॉ ही यूज़ करता हूँ। वही अगर आपका हाथ थोड़ा सा छोटा है तो आप इसे पाम ग्रिप भी यूज़ कर सकते हो उस माउस में, तो दोनों ही तरह से कंफर्टेबल हो जाता है। नॉर्मली मैं किसी माउस पर जल्दी स्विच नहीं कर सकता, लकीली ये माउस मुझे काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। 2 महीना मुझे इसे यूज़ करते हुए हो गया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है अभी तक। नाउ अब हो सकता हो आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि भैया इस माउस में हम लोगों को अगर पोलिंग रेट चेंज करना हो या DPI चेंज करना हो या RGB चेंज करना हो हम लोग कैसे चेंज करेंगे क्योंकि इसमें तो यार सॉफ्टवेयर सपोर्ट है भी नहीं। तो मैं अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ आप कैसे करोगे। माउस के नीचे साइड पे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नीचे साइड पे जो गोल गोल बटन दिया हुआ है वो DPI का बटन है। यहाँ पर मिनिमम आपको केवल 400 DPI देखने को मिलती है, फिर 800, 1600, 3200, 6400 उसके ऊपर भी देखने को मिलती जाती है। जैसे जैसे आप प्रेस करते आओगे DPI आपकी चेंज होती जाती है। साइड पे यहाँ पर आपको LOD का भी बटन देखने को मिलता है। LOD का मतलब होता है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि मैं आपको बता दूँ अगर आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग करते होंगे जो लोग, वो लोग लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए माउस लेते हैं। लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपका माउस सरफेस से कितनी ऊपर है तब तक कैच करेगा सेंसिटिविटी, और गेमिंग माउस में जितना कम लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस हो उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको LOD में 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हाई, डी और L, जिसको कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लो कर देते हो ना लिटरली 1 मिलीमीटर
केवल आप माउस को सरफेस से ऊपर रखोगे और माउस चलना बंद हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है स्पेशली कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स के लिए। फ्लिक शॉट मारने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब। बाकी यहाँ पर RGB कंट्रोल करने के लिए इनका अलग फंडा है, दो चार बटन के कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको उनको एक साथ दबाना पड़ता है तब आप RGB कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर मैं एक फोटो अटैच कर दे रहा हूँ, आप पूरा मैनुअल वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। एक अच्छी चीज़ मुझे इस माउस में ये भी लगी है कि माउस के अंदर ना इनबिल्ट मेमोरी है, तो अगर आप DPI चेंज करते हो या कोई RGB चेंज करते हो अपने हिसाब से, तो वो ना माउस के अंदर रिमेंबर रहता है PC ऑफ करने के बाद या दूसरे सिस्टम पर लगाने के बाद। आपको बार बार चीज़ें रीसेट नहीं हो जाती हैं, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन माउस के अंदर ही सेव रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर आप इस माउस को लेते हो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यार, पर्सनली मैं उस माउस को ना लगभग 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। हालांकि शुरू में मुझे थोड़ा बहुत ग्रिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन 3-4 दिन गेम खेलने के बाद ये माउस मेरे हाथ में आराम से एडजस्ट हो जाता है। गेम खेलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेंसर जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्यूरेट काम करता है, तो अगर आप फोटोशॉप वाला जैसे प्रिसीजन वाला काम करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको बताऊँ ना, मैंने इस माउस का यूज़ करके 40 घंटे से भी ज़्यादा CSGO खेला है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है CSGO में वो काफ़ी ज़्यादा फैंटेस्टिक रहा है। हालांकि इस माउस में मुझे एक चीज़ छोटी सी अच्छी नहीं लगी, वो है इसके स्विचेस जो हमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इसका जो हुआनो स्विचेस हैं वो काफ़ी टैक्टाइल होते हैं, थोड़ा सा क्लिक क्लिक आवाज़ आती है, मुझे वो पर्सनली थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे ओमरॉन स्विचेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि हमें सॉफ्ट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो गेम खेलने में उतना ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती है। शुरू में मुझे ज़्यादा बॉदर करता था ये सब चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने भी इसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। एंड एज ऑफ नाउ ये माउस मेरा फेवरेट माउस बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग जल्दी कोई दूसरे माउस पर स्विच करने वाले हैं। वेल तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू डेकी फेदर का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंदर देखने के लिए थैंक यू।